मेरी जिंदगी मेरा अंदाज। अस्सलाम वालेकुम, हाय, आई एम अनुषा असद एंड यू आर वॉचिंग मेरी जिंदगी मेरा अंदाज। और मेरा ख्याल है आज आप इस चक्कर में कि आज आप मुझे फॉलो करें और चेक करें कि मेरी जिंदगी मेरे अंदाज से कैसे गुजरती है। आए फिर अंदर गप लगाते हैं। हाँ जी, तो बड़ा मज़ा करने वाले हैं हम सब मिलके, क्योंकि आज आप मेरे साथ हैं और आज मेरा जो रूटीन का दिन जैसे गुजरता है वो इंटरेस्टिंग गुजर जाएगा, बिकॉज आप सब होंगे साथ। सो बेसिकली होता ये है कि आई हैव वन चाइल्ड, हिज नेम इज़ चंगेज़, मेरा बेटा एक। और सुबह उसको स्कूल उसका शुरू हुआ है, अभी कुछ दिन ही हुए, सुबह मैं उसको ड्रॉप करती हूँ। अभी मैं उसको ड्रॉप करके आई थी, आई हैड माई ब्रेकफस्ट, अब आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया और अब मैं उसको पिक करने जाऊँगी। पिक करके कुछ उसको सैर थोड़ी सी कराऊंगी, बिकॉज वो कुछ दो चार दिन बाद हमारा होता है कि आई टेक हिम अराउंड एंड वी हैव सम फन। उसके बाद काम शुरू हो जाएगा और एक शूट है मेरा प्लान, फिर एक मेरी शूटिंग है ड्रामे की, फिर कुछ फ्रेंड्स को मिलना है कॉफ़ी के लिए, रात को एक डांस प्रैक्टिस में भी जाना है बिकॉज एक कज़न की मेहंदी है तकरीबन आई थिंक 4-5 डेज़ में। तो काफ़ी जैम पैक्ड दिन है आज का, मगर कुछ दिन होते हैं जो इससे भी ज़्यादा जैम पैक्ड होते हैं, और कुछ दिन होते हैं जब कुछ करने को नहीं होता और बस मैं आराम से घर पे लेटी रहती हूँ पूरा दिन, तो वो वाले दिन कम होते हैं, जैम पैक ज़्यादा होते हैं। मगर जैम पैक जो है वो ज़िंदगी का तरीका बन गया, उसकी आदत हो गई, उसके बगैर अब अजीब सा ही लगता है जिस तरह टाइम वेस्ट हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। आज साथ साथ बाय द वे कुछ अपोल्स्ट्री चेंज हो रही है, तो बाहर पोशिश भी हो रही है, अभी देखते हैं कि शायद कहीं आपको टक्कर जाए बाबा जो हमारा पोशिश वाला है। सो काफ़ी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। मेरा ख्याल टाइम हो गया चंगेज़ को पिक करने का, तो हम चलते हैं ज़रा उसके स्कूल और फिर आगे निकल। अच्छा, अब चंगेज़ साहब पिक हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अलफ़ता, बिकॉज़ चंगेज़ को मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम अलफ़ता जाएंगे। इसको शॉपिंग का बहुत शौक है और इसको घूमने फिरने का और चीज़ें खरीदने का बहुत शौक है, जिस तरह हर बच्चे को होता है। तो मेरा और चंगेज़ का ये होता है, एंड ऑफ कोर्स व्हेन हिज फादर इज़ अराउंड, व्हेन ही इज़ नॉट एट वर्क, या कभी इसके मामू के साथ और अपनी नानी के साथ या जिसके साथ भी मूड हो वो हमारे साथ अटैच हो जाता है प्लान में, और हम अक्सर निकला करते हैं, कभी मॉल ऑफ लाहौर, कभी जिनवा मॉल, कभी कहीं, कभी अलफत्ता, कभी जलाल सांस, जो रिक्वेस्ट आती है वो पूरी करनी होती है, तो वो पूरी हो जाती है। गाड़ियों जा रही हैं, गाड़ियों। सो ही इज जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अ लॉट बिकॉज माशाल्लाह अभी 2.25 साल का है, तो एकदम से इसने बहुत सारा बोलना स्टार्ट कर दिया और बड़ा मज़ा आता है इसकी इंटरेस्टिंग बातें सुन के। आई थिंक दैट्स द हाईलाइट ऑफ माय डे। गाड़ियों गाड़ियों जा रही है, बाबा की है। हाँ जी, ये बाबा की गाड़ी है, ये बाबा की गाड़ी है। सबसे ज़्यादा शौक बाबा की गाड़ी का ही है, जिस तरह के हर बच्चे को। नानी को घी कहा जाता है और नानी को ये लकब बहुत पसंद आया, सो शी सेड ही कैन ऑलवेज जस्ट कॉल मी घी, सो घी इज हिज नानी, व्हेनेवर ही रिफर्स टू घी इट मींस नानी। ओके, टेल अस व्हिच सॉन्ग डू यू लाइक चंगेज़। मामा शो, मामा शो, मुझे मामा शो। वाओ, कहां देखा था मामा शो? मामा शो आईपैड पे देखा था। आ गए और इतनी सुबह है कि बस अभी खुली होगी दुकान, मगर बाकायदा गाड़ियों का रश है और पार्किंग इज ऑलवेज एन इशू एवरीवेयर इन पाकिस्तान। पार्किंग ढूंढ रही हूँ। दीज आर द टाइम्स व्हेन आई मिस माय ड्राइवर, बिकॉज आप मेन एंट्रेंस पर उतर जाते हैं और वो पार्किंग ढूंढता रहता है, फिर आप उसको कॉल करते हैं और आ जाता है। पता के बाहर हैं और हम अंदर जा रहे हैं शॉपिंग करने की, क्योंकि चंगेज़ साहब ने शॉपिंग करनी है ना। आई प्रॉमिस्ड हिम, पैर टूटा हुआ है उसके, साथ ये सारी रूटीन चल रही है और आप आज देखेंगे आगे और क्या रूटीन चलती है।
और बस जो भी हालात हो, लाइफ गोज ऑन. सो लेट्स गो इनसाइड एंड हैव सम फन. Buy whatever he wants every now and then. जब मैं इसके लिए स्पेशली निकलती हूँ, जिस तरह आज मैं स्पेशली चंगेज़ के लिए निकली हूँ, बिकॉज बच्चों के इतने छोटे छोटे दिल होते हैं, इतनी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं. और अगर थोड़ा सा बंदा एफर्ट कर ले, आई नो मुश्किल होता है कि बंदा रोज़ अपनी रूटीन तोड़ के बच्चे की एक छोटी सी विश के लिए वो करे, बट यू नो आई थिंक इट मेक्स देम मोर सॉर्ट ऑफ काम एंड कम्पोज्ड, बिकॉज उनको ये बच्चों को ये होता है कि हर चीज़ पे ना बोल रहे हैं बड़े, हर चीज़ पे ना बोल रहे हैं. सो आई ट्राई नॉट टू से नो टू हिम एज मच एज आई कैन. अब जिस बात पे कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो उस पर तो आप हाँ नहीं कह सकते, बट यू नो लाइक वंस इन अ वाइल शॉपिंग एंड ही कैन पुट व्हाटएवर ही वांट्स इन द ट्रॉली, तो आई अलाउ इट, आई कम्प्लीटली अलाउ इट, एंड ही हैज़ सो मच फन. तो आज आप देख रहे हैं इसकी हाइपरनेस कि वो फुल ट्रॉली को खुद चला रहे हैं, अपने से दो गुना बड़े साइज ट्रॉली या तीन शायद, ये भी मुमकिन है. और क्या लेना है? और इधर है प्रीमा दूध. प्रीमा दूध सही है. मेरी जिंदगी मेरा अंदाज़.